अच्छा भाई साहब, ये अब आज जो इलेक्शन कम्पेन आप कर रहे हैं और आप तो मोटरसाइकिल पे चले जाते हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, और इमरान खान साहब के साथ जब आपका मुकाबला था तो तब भी मार्जिन तो चंद सैकड़ों का था, तो अब क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान साहब के साथ जब मेरा इलेक्शन चल रहा था तब भी एज था हमारे पास जो मुझे नज़र आता था, और जो मैंने क्राउड देखा है और जो हमारी फैसलाकुन रैली थी वो सारे लोकल लोग थे, बाहर के लोग नहीं थे, हज़ारों की तादाद में थे। मैं इस हल्के में 97 से हूँ, यहाँ पे मैं एक 2002 वाला इलेक्शन मैंने यहाँ नहीं लड़ा, वो शहर चला गया था, तो लेकिन वो यहाँ मेरे लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त, मैंने उनको किया था MPS को नॉमिनेट, जानता हूँ इस हल्के को अच्छी तरह, बहुत चार्ज था, मुकाबला भी था, लोगों ने PTI को भी वोट दिया अच्छी खासी तादाद में, लोगों ने हमें भी वोट दिया अच्छी खासी तादाद में। आप ये देखें ना, बाकी हल्कों में इमरान खान साहब की लीड थाउजेंड्स में है, 30,000, 20,000, पता नहीं कहीं 40,000 भी है, यहाँ 680, और 680 भी जब थैले खुलते हैं तो वो 600-650 पे आ जाते हैं। तो इलेक्शन तो हम जीत गए थे, लेकिन वो जो मिड नाइट इन्होंने हिट किया और क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग पूरी कहानी है, कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको भी बयान कर देंगे, फिर रिकाउंट नहीं होने दिया। अब इस बार लोगों का जहन बहुत बदल गया है, एक तो लोग, मैं फिर कहूँ, वफादारियाँ बदलने वालों को वोट देना पसंद नहीं करते, तो मेरे मद्देमुकाबिल जो हैं हुमायूं अख्तर साहब, एक तो उनका ये ड्रॉबैक है, वो बहुत जमातें बदल चुके हैं, दूसरी बात है वो अवामी आदमी नहीं है, 3 बार वो MNA बने हैं मेरा ख्याल है, कभी कौमी असम्बली से उनकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं है, फिर उनका ताल्लुक मल्टी बिलियनर क्लास के साथ है, मल्टी बिलियनर क्लास जो है वो यहाँ पर कितनी है, 1-2% लोग हैं, फिर जो PTI का नज़रियाती वोटर है जो वाकई चाहता था कि भाई नया पाकिस्तान बने, कोई तब्दीली आए, उन्हें हुमायूं अख्तर खान साहब में तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, वो तो मुझसे भी बहुत पुराने हैं, तो मैं एक पोलिटिकल कॉमरेड हूँ, मेरी सियासत से इख्तलाफ़ कर सकते हैं, मेरी मेहनत से और कमिटमेंट से तो इख्तलाफ़ नहीं कर सकते, फिर इस हल्के में मैंने बहुत काम किया है, कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जो मुसीदा हालत में है मौजूद हो, कॉलेजेस बने हैं, पार्क्स बने हैं, अंडरपास बने हैं, रोड्स बनी हैं, सीवरेज, फिल्ट्रेशन प्लांट, ट्यूबवेल, ट्रांसफार्मर, इंसुलेटेड वायर, ये मेरा ये वाहिद हल्का है लाहौर में जहाँ बतौर मैं पूरा कामयाब नहीं हुआ, अटमोस्ट कोशिश की, ये जो बिजली की नंगी तारे हैं इनको इंसुलेटेड वायर में, जिसे उर्फ आम में गोला तार कहते हैं, वो गोला लगा दियो जी, वो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम है, मैं उसको हल कर सका 20-25-30%, अभी बड़ा काम करना बाकी, लेकिन लोगों को नज़र आया कि एक डायरेक्शन है काम करने की। जो मेरे मद्दे मुकाबले हैं वो 2 बार MNA रहे, उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, इसलिए एक एज है कारकर्दगी का, वजारती कारकर्दगी का भी एज है, वो भी वजीर थे तजारत के, मैं रेलवे का वजीर था, लोगों को रेलवे की कारकर्दगी याद है, कोई माने ना माने लोग तो मानते हैं, क्योंकि 5 करोड़ ट्रैवलर होगा अगर एक अदारे में तो लोग तो मानेंगे। हाजा साहब, फ्रेंजिक हो रहा है उस पर, रेलवे का भी एक केस बन गया और मामला आपको प्रेम पत्र और लव लेटर जो है नैब से आ गया रेलवे पे, और शेख रशीद साहब तो 3 ट्रेनें चला चुके हैं 1 महीने के अंदर। इतना एक तो ये, खैर वो फ्रेंजिक ऑडिट हुआ है, वो रिपोर्ट लोग कुछ हमारे पढ़ रहे हैं, मैं तो वक्त नहीं है रिपोर्ट पढ़ने का, तो उसमें तो कोई ऐसा मेरा किरदार ही नहीं है, ना मैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर हूँ कि मैं ऑडिट रिपोर्ट का जवाब दूँ। पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट्स का जवाब देने का एक बाकायदा मैकेनिज़म मौजूद है जिसे बाईपास किया गया, जिसकी मेरा ख्याल है कोई ज़रूरत नहीं थी, बहरहाल उसका जवाब जो हो सका हमसे देंगे। ये जो रेलवे में शेख रशीद साहब ने धमा चौकड़ी मचा दी है, ये तो जुल्म की इंतहा कर दी है, जो मियाँ वाली पिंडी ट्रेन चलाई है वो 20-22 करोड़ रुपये सालाना लूज करेगी, हो ही नहीं सकता कि ना करे, लाहौर पिंडी रेल कार की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि 8-9 ट्रेन ऑलरेडी चल रही हैं, वही सवारियाँ उसमें से उतर के टाइम के मुताबिक आ जाएंगी, वो भी लूज़ करेगी पैसे। तीसरी जो फैसलाबाद लाहौर की वो फरमा रहे हैं, वो ऑलरेडी जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन जा रही हैं वो कराची तक थ्रू फैसलाबाद भी जाती हैं, और वो भी वहाँ भी ट्रेन की कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस ट्रैक को भी प्रॉपरली, वो ब्रांच लाइन है, प्रॉपर मेंटेनेंस उसकी जब तक नहीं होती, और 1.5 घंटे में लाहौर फैसलाबाद का सफ़र तय 1.25 घंटे में नहीं होता, वो कामयाब नहीं हो सकती। उसके अलावा वो ब्रॉड गेज को स्टैंडर्ड गेज में ले जाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए अरबों डॉलर चाहिए, और जितना रोलिंग स्टॉक अवेलेबल है सब आपका फारिग हो जाएगा, चल ही नहीं सकेगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि शेख रशीद साहब किस लाइन पर चल रहे हैं, मुझे लगता ही है वो रेलवे का फ्रेट, हमने कंपनी बनाई रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट कंपनी, वो फ्रेट किसी को देंगे, ट्रैक्स किसी और को पकड़ा देंगे, और वो इसकी
इसे स्लाइस की, डबल रोटी के स्लाइस की तरह इसको काटेंगे। और मैं, मुझे नहीं यकीन कि चाइनीज ML1 पे पैसा लाएंगे इस रवैये के होते हुए। और एक और जो वो बोंगियां मारते हैं कि ये मैंने $2 अरब कम करा दिया है, ये इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? वो भाई कोई फाइनेंशियल क्लोज ही नहीं हुआ, कोई निगोसिएशन ही नहीं हुई कि नट कितने का आएगा और बोल्ट कितने का आएगा। एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है भाईजान, जिसमें तमाम वजारतों ने मिलकर किया था कि ML1 बनेगी। एक ये डिज़ाइन बन गया उसका, वो डिज़ाइन की अदायगी हमने किया है, चाइनीज ने बनाया है, यानी ब्लूप्रिंट बन गया है। अब अगला मरहला आना था जब उसकी कीमत निगोशिएट होनी थी, वो निगोशिएशन मेरे दौर में शुरू ही नहीं हुई, मेरा ख्याल अभी भी शुरू नहीं हुई। तो जिस चीज़ की कीमत ही निगोशिएट नहीं हुई, कोई तय ही नहीं हुआ, उस पर वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और वो जो इशफाक खटक साहब थे, मुझे मालूम पड़ा उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उसके पाए के 2-3 आदमी हैं पाकिस्तान में जो रेलवे को समझते हैं, वो डेडली ऑनेस्ट आदमी है, और वो उनको निकाल दिया। एक पहले हनीफ गुल, वो पाकिस्तान से बाहर था, वो अफसर दिल बर्दाश्ता होकर वो हमारे दौर में वापस आ गया था, सरकार 19वें ग्रेड का अफसर, उसने बेपनाह काम किया, उसको ख़राब किया, रुसवा किया। कल भी किसी को निकाला है, किसी मैकेनिकल इंजीनियर को, रोज़ की बुनियाद पर शेख साहब उल्टी बातें कर रहे हैं। और मुझे मालूम है वो रेलवे के साथ क्या करना चाहते हैं, ये इस तरह ये रेलवे को तबाह कर देंगे। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने शेख रशीद को पैगाम भेजा था, मैं यहाँ टीवी पे कह रहा हूँ कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, रेलवे पे मैं आपकी बहुत मदद करूँगा, क्रेडिट आप लें सारा। वो आप ट्रस्ट करेंगे? सर ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, हमारी को दुश्मनी चल रही है, मैं जाके शेख रशीद अलग इलेक्शन लड़ना है या उन्हें आगे इलेक्शन लड़ना है? धरनों के मेन करेक्टर, लंदन प्लान का मेन हिस्सा, सारी पार्टी को इकट्ठा करने वाले, मैं मांग गया कादरी साहब और इमरान खान साहब को एक कंटेनर पे सवार करने वाले भाई मेरे, वो आप ट्रस्ट कैसे करेंगे? मैं क्यों नहीं करेंगे भाई, एक रेलवे कौमी इदारा है। इसी तरह ये जैसे हमजा साहब ने कहा था कि हमने खान साहब को हुकूमत बनाने दी थी केपी में, हमें भी हुकूमत बनाने दे, तो हमजा जी का पिटिशनर बने, नवाज शरीफ साहब नॉकआउट हुए उसके बाद। ये फिर देखें, ये जर्फ, एक मिनट मुझे बोलने दो प्लीज, आपने कहा ये जर्फ की बात है, अगर तो सियासी लड़ाई का निशाना कौमी इदारों को बनाना है और मुल्क को बनाना है तो खेलते रहो यार, तुम्हारी सियासी उम्र सुकड़ जाएगी, खेलते रहो, कर दो बर्बाद तुम इसको जो हमने किया या जो मामला हमने मित्र किए उनको, कर दो तबाह। तबाही कभी छुप सकती है? तबाही कभी नहीं छुपती, तबाही बरनाओं के सामने आ जाती है, आज नहीं आएगी कल आ जाएगी। अब वो मैंने मुझे कल को कहा था कुलियों का वो लाल यूनिफॉर्म दोबारा, उन्हें फिर गवानता नामुबे का कैदी बना दिए, तो बंदा पागलपन कर रहा है। खाजा साहब आपके दौर में आपको पता है कुली जो हैं वो अगर 200 रुपया कमाते हैं तो उजरत पे 100% टैक्स, 100 रुपया अपने ठेकेदार को देना पड़ता है? नहीं नहीं ऐसे नहीं है, करेक्ट करें अपने, मैं बताता हूँ, मुझे बोलने दें। लेकिन 27% टैक्स देते थे हमेशा से, हमने आके उस सारे निज़ाम को बदल दिया, आप ज़रा डिटेल मालूम करें जाके, और रेलवेज को कहा कि इस ठेकेदारा निज़ाम से आप अपनी कमाई में इजाफा नहीं करेंगे और जो कमाएंगे वो कुलियों पर ही खर्च करें, और उनको रेस्ट रूम बना के दिए, उनको कॉमन रूम बना के दिए, दोपहर के खाने का बंदोबस्त किया उनका, उनकी मेडिकल लीव का बंदोबस्त किया, और जो ठेकेदार था उसको कहा कि जो सहूलत नहीं देगा उसका ठेका कैंसिल कर दिया जाएगा। उल्टा है बिल्कुल, आप ठेकेदार से कुलियों से पूछें ना जाके, ये टीवी कैमरा है ना, कुलियों से जाके पूछें तुम्हारी इनकम में इजाफा हुआ, तुम्हें सहूलतें मिली? हालांकि मेरे हल्के में तो कोई एक कुली भी नहीं है रेलवे का, लेकिन वो इंसान थे, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारते, प्लेटफॉर्म पे लेट पड़े होते थे, देखे नहीं हुए? अब क्यों नहीं प्लेटफॉर्म पे पड़े होते? उनको हमने कमरे बना के दिए, उसमें पंखे लगाए, कारपेट बिछाए, गांव तक की रखे, वॉशरूम्स बनाए, पानी के वो जो होते हैं इलेक्ट्रिक कूलर्स ला के दिए उनको, कैरम बोर्ड लगा के दिया, टेलीनियर लगा के दिया, वो इंसानी जिंदगी गुजार है। आपके दौर में मेरे कुलियों पे सिर्फ 6 प्रोग्राम्स हैं वो, और हाजी साहब वो एक ग्रुप है यार, एक मिनट मुझे पता है, मैं आपको कमरा जो आप फरमा रहे हैं उस पर ठेकेदार ने कब्जा किया था, हमने लाइव शो में वो जो कमरा जिसका आप वो कमरा है वहाँ पे जाने कमरा है बस करते हैं, उस पे ठेकेदार का कब्जा, मैंने तमाशा ने वहाँ गुजार करवा के कुलियों का हैंडओवर करवाया। सर अगर आज ही क्लिप पे चलवा बोले तो फिर मैं चुप हो जाता। देखिए मेरा आपसे बहुत सख्त गिला है, मगर मैं आपको पता भी मेरा आपसे गिला है, वो फेयर मैं आपको मुंह पे कहता हूँ, वो फेयरनेस सुसत नहीं थी, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। वह कुलियों में ग्रुप बने हुए हैं, मैं ग्रुप्स की सुलह कराना मेरा काम तो नहीं ना है, वो एक ग्रुप था, वो ये मुझे पूरी बात याद नहीं है, उन्हें प्रॉब्लम रहती थी, पर मैं
पूरे कुलियों की बात कर रहा हूँ, कराची के कुलियों, लाहौर के कुलियों, फैसलाबाद के कुलियों। अच्छा, कमरे पे ताला लगा हुआ था और आपने छुड़वा के दिया? मुझे नहीं पता, नहीं आपने नहीं छुड़वा के दिया, मैं नहीं मानता। अभी प्रोग्राम में क्लिप चला देंगे वो वाला साथ। चला दे मुझे सर, वो देख लीजिएगा भाई साहब, ताला लगा हुआ था सर। वो ठेकेदार साथ बुला दिया फिर हमने सर, वो ठेकेदार माना कि जी वो सर वो बहुत निचले लेवल पे होगा ना। मैं रेलवे का वजीर था, मैं कुली भर्ती थोड़ी। उसका आपसे ताल्लुक नहीं, ठेकेदार और कुलियों को कंफ्लिक्ट था, तो फिर मुझे उसमें किधर लेके आ रहा है? आप मिनिस्टर के तौर पर कुलियों की हालत बदलना सके, हम ये कह रहे हैं। नहीं, मैंने बदली, आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल बदली है। मेरे साथ ये अहम तरीन कम्युनिटी है, कुली अगर घर चले जाए ना छुट्टी पे और 5-6 दिन घर रहे हैं तो ये जो पेटी नंबर है उनका उतार लिया जाता है। आप मजदूरी पे टैक्स आपने कभी सुना है? हम सर ये गवर्नमेंट का फ्री काम करते हैं, जितना ब्रेकों में सामान आता है अनलोडिंग भी हम करते हैं, अनलोडिंग भी हम करते हैं। आए जी मेरे साथ, आपको वो कमरा दिखाते हैं। ये ताला लग चुका है इधर, ये ताला किसने लगाया जी? ये ठेकेदारों के बंदों ने और ठेकेदार ने। क्यों लगाया जी ताला? ये पता कोई नहीं साहब, ऐसी अंदर सोंदे थी, उन्हें ताला लगा दिया। मेरा नाम मोहम्मद दनान है जी। ये ठेकेदारा ने बंदे कोल चाबी है, ठेकेदार ने दी है कि कोई कुली भी बड़े तो उन्होंने दबके ना टहगे ना धक्का मार के बाहर कटना। ठीक है, ये ठेकेदारा को जो ना मिनिस्टर साहब ने दिता है कमरा सानू, कोई भी कुली साडा वड़ता है ठेकेदार कहना है कुली को 50 रुपये लेने तो फिर वड़न देना। आप में से किसी को अंदर जाने दिया जाता है? आप में से कोई अंदर जा पाता है? ये सारे आपसे इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हैं? कपड़ा दिता जिन्हें वर्दी मंगी उन्होंने वर्दी दी। एक मिनट आ जा, ताला खुल गया, क्लोज क्लोज। ताला खुल रहा है जी, वो ताला खुल रहा है जी, ताला खुल रहा है। ये सामान उनका है? अच्छा, कुलियों का है, कुलियों का। कुली रह रहे हैं, एथिक लोग जाते हैं, एथिक लोग मैरिट का काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, दस्तों किसी कितने लोग? आप हर कुली को बाहर निकालते हैं ये कह रहे हैं? भाई साहब, अभी भी वो 500 कमाए तो आधी उजरत उन्हें ठेकेदार को देनी पड़ेगी। देखिए, और उजरत पे टैक्स मुझे नहीं पता टैक्स कितना, मुझे ये पता कि उनकी इनकम 4 गुना बढ़ी है। मुझे ये पता कि हमने उनको शेल्टर रूम्स बना के दिए, किसी ठेकेदार ने कब्जा कर लेता होगा किसी एक जगह पे, मैंने नहीं पता इस गल का ना। जाहिर है हर गल मैंने पता तो नहीं होगी, लेकिन मैंने उनकी हालत बदली है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बदली हुई हालत लोगों को नजर आई है, सिर्फ वर्दी नहीं बदली, उनकी हालत भी बदली है, ऐसी बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले। मुझसे पहले किसने कुलियों को डिस्कस किया यार, ये बता दें आप मुझे। मैं पहला वजीर था, किसी ने कुलियों का कभी जिक्र भी किया था, कोई उनको मिला भी था? मैंने उनको रेलवे हेडक्वार्टर बुलाया था, अपने पास बिठाया, उनकी बातें सुनी। उस ठेकेदार निज़ाम को जितना उसको कंट्रोल कर सकते थे किया। पहले ये भी सोचा ठेकेदार निज़ाम टोटल ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो कुली जो थे वो रेलवे के जिम्मे पड़ जाने थे और रेलवे ऑलरेडी जो है वो ओवरलोडेड है, तो वो क्या करते? हमने बहुत इम्प्रूव किया उस निज़ाम को, ऐसे नहीं है। अच्छा, अब खाजा साहब आखिरी कुछ बातें, वो ये कि नैब के साथ आपके मामला चल रहे हैं और वादा मगवा नैब के पास नहीं है फिलहाल, और उस तोते को ढूंढने की ट्राइयाँ जारी हैं जिस तोते में आपकी जान है, और नदीम ज़ा नहीं मिला उन्हें, कैसर मीन बट भी नहीं पकड़ा गया, और आपने नैब टीम के सामने कहा था कि अबूरी सेटअप के दौरान मुझे खदशा मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना? आपकी कोई गिरफ्तारी अमल में आई ना? कोई एविडेंस पड़ा है नैब के पास आपके खिलाफ गिरफ्तारी का? कोई एविडेंस नहीं है मेरी इतलात के मुताबिक। अकाउंट ज़रूर कोई मुगलपुरा ब्रांच से निकला है जिसका वो लिंक जोड़ते हैं पैरागॉन से। क्या हालात हैं, क्या ख़तरा है आपको अभी तक? क्या गिरफ़्तार भी हो सकते हैं और वो तोता पकड़ा जा सकता है जिसमें आपकी जान है? मेरी जान तो किसी तोते में नहीं है, मैं पहली बात आपको वाजे कर दूँ। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ये सोचता है किसी जगह पर बैठ के कि वो किसी को पकड़ के अप्रूवर बनाने की कोशिश करेगा उसको सिक्योर टाइट करके, तो ये तो फेयरनेस नहीं है। अगर आपके पास आप किसी के ख़िलाफ़ कोई सबूत है तो वो आपको सामने लाना चाहिए। और अगर 18-19 साल पहले कोई एक अकाउंट किसी बैंक में किसी बकौल जो हमें उन्होंने कहा है, अभी तक उसकी कोई डिटेल भी नहीं दी है हमें, ना बैंक दे रहा ना हमें नैब वालों से कोई डिटेल। बैंक ने आपको डिटेल ही नहीं दी? कुछ कहाँ दी है जी? आप गए बैंक में? सर वो जिनके अकाउंट थे जिनके नाम पे उन्होंने अप्लाई किया ना जी वहाँ पे, अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए और आपके पास उन ट्रांजेक्शन मौजूद ही ना 19 साल पुरानी। और एक और बात है, अगर कोई हो भी किसी ने मिलकर किसी के साथ काम किया हो तो उस काम वो कोई गैर कानूनी काम है? क्या गैर कानूनी काम है? और उसकी कोई डिटेल भी आप उसे मांग रहे हो, कहें बैंक ट्रांजेक्शन लाओ और बैंक ट्रांजेक्शन ना दे और आप खुद भी ट्रांजेक्शन ना प्रोवाइड करें, तो मैं जवाब क्या दूँ सवाल का? कैसे सवाल का? आपका एक बैंक अकाउंट है जो 20 साल पहले आपने खोला था, सिंपल समझने के लिए।
या ये कोई भी जो ये नौजवान है, आप नैब से रिकॉर्ड ले लेते, आप तो मेरे ख्याल पिछले मंडे भी गए हैं। सर मुझे तो रिकॉर्ड मिलेगा तो लूंगा ना जी, मैं क्या क्या करूं मुझे बताइए। तो बहरहाल उसका जवाब, आपके आईओ ने आपको रिकॉर्ड नहीं फ्रॉम किया? अगर आप, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, एक कुछ चीज दिखाई थी, मैंने उसको पढ़ा था, लेकिन मेरे पास जब तक उसकी डिटेल नहीं आएगी। अच्छा एक अकाउंट है, उसमें फर्ज करें अगर वो जो उस, मुझे मेरा आइडिया शायद कोई 1-1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन है, कुछ पैसे आए होंगे कुछ गए होंगे, उसमें मेरी फैमिली का नाम 1/3 है, तो मेरा ख्याल है कि 30-40 लाख रुपए का हिसाब है सारा, 19 साल पुराना, वो भी बड़े आराम से दिया जा सकता है, बशर्ते कि कोई बैंक ट्रांजेक्शन हो, कोई डिटेल सामने आए, तभी होगा ना जी। और अगर कोई समझता है कि इतने पैसों से कोई हाउसिंग स्कीम बन जाती है तो वो कोई फिर जादू ही बना सकता है। खैर साहब, आखिरी सवाल, नून लीग के हलकों के अंदर ये बात अक्सर डिस्कस हो रही है कि सीजे साहब की रिटायरमेंट के बाद एक सुनहरी दौर का आगाज हो जाएगा, आप मुत्तफिक हैं इन चीज़ों से? मैं तो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपके इंटरव्यू का ये क्लिप जो है, इसको कुछ लोग काटेंगे और कहीं ना कहीं पहुंचा के कहेंगे देखें जी ये बात कर रहा है, आगा पीछा साहब का लाख का नहीं होगा, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। खैर साहब, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। खाजा साद रफी की गुफ्तगू आपने सुनी जी, हमारे साथ रहिए। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ साहब, मुझे ये बताइए कि कैंपेन कैसी चल रही है? मद्दे मुकाबल साद रफीक साहब एक सियासी वर्कर और आपके मौजूदा कप्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बहुत थोड़ी सी लीड से जो है उनसे हारे थे, अब आपका उनका मुकाबला है, तो क्या तवक्कुआत हैं, तैयारी कैसी चल रही है, क्या सिलसिला है? उनको हराएंगे जी इंशाल्लाह, मेरा तो 25 साल में जड़ें हैं इस इलाके में, साद रफीक तो पिछले 10 साल आया, ये इलाका मैंने जीता था पीपल पार्टी से, गढ़ हुआ करता था 25 साल पहले 1993 में जब इतदाद आसिम को हराया, वो मैंने हराया, वो साद रफीक ने नहीं हराया, तो मेरी जड़ें हैं जी इधर बहुत गहरी। मुझे लोग मिलते हैं कि मेरा उसका वालिद हमारे साथ चला था, मतलब जिस कम्युनिटी में मैं जाऊँ तो इधर मेरा काम बहुत ज़्यादा है, मेरी डिवेलपमेंट वर्क बेशतर मैंने कराया हुआ है इधर, तो इधर बड़ी पेनिट्रेशन है जी मेरे इस इलाके में इंशाल्लाह, और मेरी मुहिम जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज से चल रही है। खान साहब, कुछ देर पहले हमारी साद रफीक साहब से भी गुफ्तगू हुई तो वो फरमा रहे थे कि आप तो अपर क्लास से हैं और मोस्ट अपर क्लास पाकिस्तान की, और आप वर्कर क्लास से नहीं हैं, तो ये आपको उन्होंने कहा कि ये डिसएडवांटेज है, और वो खुद तो मोटरसाइकिल पर बैठ के कंपेन करते हैं, तो इस ये फैक्टर काउंट होगा? साद रफीक को कहें शरारतें ना करे, उसकी जो क्लास है वो मुझे पता है, पूरी पैरागॉन उनकी है, पूरी स्टेट लाइफ उनकी है, तो अपर क्लास से मैं हूँ। वो कहते हैं माल का ना सबूत अभी नहीं है किसी के पास कि मैं हूँ जी, वो कहते हैं माल का भी बहुत जल्दी आ जाएगा, हमारा ये कहना है कि 14 के बाद ही आए, हम नहीं चाहते कि ख्वाजा साद रफीक को किसी किस्म का 14 से पहले को इलेक्शन में दुश्वारी पेश आए, लेकिन उनके सबूत बहुत हैं और वो आएंगे, लेकिन 14 तक उनको मेरी गुजारिश है हर किसी से छोड़ दिया जाए ताकि मैं उनको मैदान में हरा दूँ एक दफ़ा। और आप चूंकि सियासी वर्कर हैं पुराने हैं, लेकिन पार्टियां बदलने का टैग आप पे है, कौन सी पार्टी बदली मैंने? काफ और नून, नून और काफ, इसका क्या ये टैग बड़ा अच्छा है, जबरदस्त है। 2001 तक आप वैसे लगते हैं कि ख्वाजा साहब से बहुत इन्फ्लुएंस है वो, तो 2000 आप 1 मिनट 5 मिनट से तो आप उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और मैं आपको फुलटा से दे रहा हूँ उनके हक में, आपके सवालों से मुझे पता चल रहा है, अभी तो आपको बता रहा हूँ, पूरी चीज दिखाइए, ये नहीं कटेगा, डोंट वरी, कुछ नहीं कटेगा, आप बोलिए। 2001 में जब नवाज शरीफ साहब सब साथियों को छोड़ के महल में रहने के लिए जदा चले गए, तब मैंने काफ में आया था, तब मैं काफ में आया था, और काफ में मैं जब काफ टूटी 2009 में, तो मेरा धड़ा ने एक अलायंस किया, अलायंस ज्वाइनिंग नहीं की, एक हमारे जो हम ख्याल थे उनका एक अलायंस हुआ नून के साथ 2012 में, और वही अलायंस अभी तक चल रहा था। पिछले बहुत दिनों से मेरे पास इमरान खान साहब कई साल तशरीफ ला रहे थे कि मेरी पार्टी में आ पाए, और मैंने फिर सिलेक्शन में फैसला किया, तो ये इसमें क्या अब नॉर्मल चीज है जी? मैं कह पूछते हैं लोग बात करते हैं काफ नून बात करते हैं, हाँ, तो ये सवाल हाँ, तो है ना, तो साद रफीक को मैं अगर बताऊं कि वो किस किस से मिलते रहे 2018 इलेक्शन से पहले, तो उनको क्या वो भी मैंने बता देना, क्या बताएं? नहीं मैं अभी नहीं, अभी वो भी बता दूंगा, किस थोड़ा हिंट दे, वो भी मैं बता दूंगा कि इमरान खान, वो भी मैं बता दूंगा इमरान खान साहब से कब मिले, वो सब कुछ बता दूंगा। तरीके साहब में आने के लिए आपको पता ही है कि जावेद हाशमी जब आ रहे थे तो साथ साथ भी आने लगा था,
उसके बाद वो लंदन में मिल के आया, बात क्या कर रहे हैं अभी मुझसे बताएं, मैं बताऊंगा कि 2018 इलेक्शन से पहले किस किस से नहीं मिले वो। ये लंदन प्लान से पहले की बात है, बाद की बात है ये मुझे नहीं याद। आगे बात किया, अगला सवाल। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा सिनेरियो बना उसमें आजकल दोबारा मीडिया में चर्चा है लंदन प्लान का, गो कि इसका आपके हल्के से ताल्लुक नहीं है लेकिन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक तो है और कादरी साहब से ताल्लुक है, काफ लीग से आपकी जमात जो हम ख्याल के तौर पर आपका अलायंस रहा उनसे भी ताल्लुक है, तो सारे स्टेक होल्डर्स पे दोबारा बात हो रही है और खुरमनवाज गंडापुर जो है उन्होंने टीवी पे मान लिया कि हाँ ये मीटिंग हुई थी, हमने बात की सारा कुछ दिस एंड दैट। इस हवाले से लंदन प्लान के हवाले से आपका जाती क्या मौका है, जाती ख्याल क्या? सर ये भी अगेन नून लीग का प्रोपेगेंडा है, ये माजी की बातें, हम कहाँ आलोच रहे हैं जी, आगे की बात करें। हार गई है नून लीग, अब अगले इलेक्शन की फिक्र करें, पंजाब में भी हार गई है, इस्लामाबाद में भी हार गई है, N131 में भी हार गई है, आपको लंदन प्लान, फलां प्लान, न्यूयॉर्क प्लान, आगे की बात करें, मैदान की बात करें। फिलहाल तो सादर रफीक देखें ना कि 14 को क्या होता है। अगर आप ये सीट जीत जाते हैं बिलफर्ज, बेस्ट विशेज भी, बिलफर्ज जीत जाते हैं तो आप समझते हैं कि विफाक में कोई अहम चीज और अहम जिम्मेदारी? मेरी कोई कंडीशन नहीं है जी, मैं पीटीआई में बगैर किसी शर्त के आया हूँ जी, मैं सिर्फ जो नौजवानों का मिशन है इमरान खान का, 1 करोड़ नौकरियों का और 50 लाख घरों का गरीबों के लिए, मैं उसमें उनका हाथ बटाऊंगा, मुझे कोई वजारत नहीं चाहिए। मैं एक बात कहता चलूँ, इंशाल्लाह ताला जो मैं मैदान में देख रहा हूँ ये इलाका फेयर इलेक्शन में ये हल्का मैं हरा दूंगा साद रफीक को। मसला साद रफीक का ये है कि उसे हरा नहीं जाता, वो धांधली बड़ी करता है। अगर वो धांधली, साद रफीक कहते हैं मेरे साथ धांधली हुई है, 2014 का जो धरना है, आप बहुत मुतासर हैं साद रफीक से, 2014 का जो ये आप इंटरव्यू देख के देख फैसला कर लीजिएगा, 2014 का जो धरना है जिन 4 हलकों के खिलाफ हुआ, पूरी पार्टी का जो पार्टी है बरसर इक्तदार है उसमें से एक हलका साद रफीक का था, ठीक है, जो नहीं खुला था, जो खोलने के लिए जो कहा गया था, जो खान साहब ने कहा था हल्के खोले 4, तो एक हलका साद रफीक का भी था, यही फरमा रहे हैं आप। जो 2014 का धरना बुनियाद इसकी थी, वो 126 दिन का धरना हुआ ही इसलिए था, तो धांधली कमीशन ने बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं, 4 हलकों में सुप्रीम कोर्ट का इसके वर्डिक्ट आ गया ना, 4 हलकों में याद है, आप साद रफीक की नुमाइंदगी इधर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट साद रफीक की नुमाइंदगी है जी, इलेक्शन देखें साद रफीक की नुमाइंदगी है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया, अगर नामा आप साद रफीक कोर्ट का मैं वर्डिक्ट बता रहा हूँ आपको, साद रफीक का वकालतनामा मुझे दिखा दे, मैं बता रहा हूँ, देखिए आप इल्जाम जरूर लगाइए लेकिन प्रोग्राम सुन लीजिएगा हमारा, मैं बात ये कर रहा हूँ जी जी बताइए, मैं बात ये कर रहा हूँ कि 2014 का धरना जो इमरान खान ने 126 दिन किया 4 हलकों के खिलाफ था, उसमें एक हलका 7 का था, मैंने तो वर्डिक्ट की बात नहीं की, वो तो आपने शुरू हो गया वर्डिक्ट का बताना, मैं तो धरने की बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ उसमें तफसीली, फिर धांधली कमीशन बना और धांधली कमीशन ने कहा कि सबूत देने में नाकाम रही, वो वर्डिक्ट आया, रफीक की वकालत मेरे से ना कीजिए, वकालत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था जो आपकी खिदमत में मैंने पेश किया, डिफेंड कर रहे हैं, बता रहा हूँ आपको, बोलने दें, वो हम 1+1 जब खड़े होंगे कि आप साद रफीक की वकालत करेंगे मेरे सामने, ये वकालत है कि मैं आपको कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट किस पे आया, लाइव देखना चाहता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें कटेंगी नहीं, ये परेशान ना हो, ये ना परेशान हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट अगर आता है, रफीक की वकालत ना कीजिए, जो रिपोर्टर्स होते हैं वो सवाल पूछते हैं, वो आप चुप रहे, वो सवाल पूछते हैं और दूसरे का जवाब सुनते हैं, आपने जवाब नहीं देना, वो साद रफीक से फिर पूछें जवाब उसका, आप कैसे उनका जवाब दे रहे हैं, तो बड़े जबरदस्त मैं सवाल पूछ के आया हूँ आपके पहले पोर्शन में, देख लीजिएगा क़यादत जो है वो वापस आई है और आप लोग एयरपोर्ट नहीं गए, 13 को एयरपोर्ट चले जाते तो आज अपोजिशन करनी पड़ती आपको, सियासी वर्कर के तौर पर इसका क्या जवाब है? मकसद था नवाज शरीफ साहब के साथ इजहार यकजहती कि अहले लाहौर बाहर निकले, एयरपोर्ट जाते तो 3:30 सुबह के हो जाते, तो वहाँ जाके किसको मिलना था? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग एयरपोर्ट जाते हैं और जम्मे कश्मीर लेके जाते हैं और इतने पॉलिटिकल विजन के बावजूद आप एयरपोर्ट जाने के रास्ते को मिसकैलकुलेट कर बैठे हैं? नहीं ऐसे नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कभी कहा होगा हमने एयरपोर्ट पे नहीं जाना, देखिए रूट बना हुआ था, हजारों के मॉब में से कोई 50-100 आदमी निकल के एयरपोर्ट पे चढ़ दौड़े या उधर से कोई जवान कोई फायर कर दे, मुझे बताइए, और मियां साहब भी वहाँ मौजूद नहीं है, तो ये अगर कोई इस तरह का नुकसान हो जिसका कोई मकसद भी नजर नहीं आ रहा तो वो क्यों किया जाए नुकसान? वदीम जा नहीं मिला उन्हें, कैसर मीन बट भी नहीं पकड़ा गया, क्या खतरा है आपको अभी तक, क्या गिरफ्तार भी हो सकते हैं और वो तोता पकड़ा जा सकता है जिसमें आपकी जान? मेरी जान तो किसी तोते में नहीं है, मैं पहली बात आपको वाजे कर दूँ, अगर आपके पास आप किसी के खिलाफ कोई सबूत है तो वो आपको सामने जाना चाहिए, और आप मिनिस्टर के तौर पर कुलियों की हालत ज़ात बदलना सके, हम ये कह रहे हैं नहीं, मैंने बदली है, आप गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, बिल्कुल बदली है। मैंने साद रफीक साहब धांधली के माहिर हैं, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ भी 12,000 वोट भुगता दिया इस दफा, साद रफीक धांधली ना करें लेकिन उसको ये भी बता दें कि मुझे पता है वो करते क्या है, इस दफा ना करें क्योंकि रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, धांधली ना करें, मैदान में इंशाल्लाह ताला हम उनको हरा देंगे।
شکریہ. بہت شکریہ جی. ہمایوں اختر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ 14 کو الیکشن ہے, 14 کو الیکشن ہے, فیصلہ الیکشن کے دن ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے.